नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह यादव। आप लोगों की डिमांड पर एक बार फिर हमारा संडे का जो टेस्ट हुआ था उसकी एनालिसिस के लिए आया हूं। आप लोगों की एक दिक्कत थी, आप लोगों ने कहा था कि सर आप जो एनालिसिस कर रहे हैं उसे पीडीएफ के साथ करिए। तो ये लो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर एक बार फिर 1900 क्वेश्चनों को पीडीएफ के साथ आप लोगों से डिस्कस करूंगा और इससे रिलेटेड अगर कुछ जानकारी मेरे पास और अधिक है वो आप लोगों से शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हमारा आज का एनालिसिस। दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि वर्तमान में उत्तरी भारत और तात्कालिक मालवा सल्तनत के संस्थापक कौन थे। आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों कि इसका आंसर है दिलावर खां। इसका आंसर है दिलावर खां। दिलावर खां 1401 में, ठीक है, आपको याद रखना है 1401 में ये दिल्ली सल्तनत के ही अधीन कार्य करते थे और 1401 में इसको दिल्ली सल्तनत से फिर मालवा की रियासत दे दी गई थी। इसलिए ये मालवा के सल्तनत काल में बनने वाले संस्थापक माने जाते हैं, आपको याद रखना है। और इसी में आपको ये भी ढूंढना है, मैंने पिछले एनालिसिस में भी कहा था कि 1401 में उस समय दिल्ली में कौन कार्यरत था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो पहले का आंसर आएगा दिलावर खां। पहले का आंसर क्या आएगा? दिलावर खां। दूसरा आ रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहां पर पाए गए थे। मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहां पाए गए थे, तो ये आपको याद रखना है। ये आंसर है भीमबेटिका। क्या आएगा दोस्तों? भीमबेटिका। भीमबेटिका 2003 में यूनेस्को से, ये किससे जोड़ा गया था? यूनेस्को से जोड़ा गया था। भीमबेटिका की खोज की थी डॉक्टर वाकड़कर ने। उज्जैन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर वाकड़कर साहब ने भीमबेटिका की खोज की थी दोस्तों। 2003 में इसे यूनेस्को से जोड़ा गया। यूनेस्को का फुल फॉर्म बता देता हूं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल करा और विश्व धरोहर सूची में शामिल कब हुआ दोस्तों? 2003 में। यह आपको याद रखना है। कुछ समय पहले तक मध्य प्रदेश की तीन साइट्स जो थी वो यूनेस्को में इंक्लूडेड थी, सांची, भीमबेटिका और खजुराहो। मगर अभी हाल ही में दो चीजें, दो साइट्स और जोड़ दी गई है, यह भी आपको याद रखना है, ओरछा और ग्वालियर। तो ऐसी अब कुल यूनेस्को में मध्य प्रदेश की ओर से 5 हेरिटेज साइट होगी। कितनी होगी? 5 हेरिटेज साइट, ये आपको याद रखना है। तो भीमबेटिका दोस्तों इसका आंसर है। दूसरे का, तीसरा देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो गलत है? ओलिकर वंश, दशपुर, दशपुर मतलब आपका मंदसौर, ये आपको याद रखना है, दशपुर मतलब मंदसौर, ये आपको याद रखना, दशपुर मतलब मंदसौर दोस्तों। और कलचुरी त्रिपुरी में थे, त्रिपुरी मतलब आज का जबलपुर, ये आज का जबलपुर हो जाएगा। बुंदेला ओरछा में निवास करते थे, ये बिल्कुल सही है। तो परमार वंश, ये वाला जो ऑप्शन है ना दोस्तों, ये गलत है। तो आपका इसका आंसर आएगा डी। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि परमार वंश इंदौर गलत हो जाएगा। परमार वंश कहां था? धार में। परमार वंश कहां से लीड कर रहा था? धार से लीड कर रहा था। तो इसका ये आंसर रहेगा, ये आपको अच्छे से समझना है। तो तीसरे का आंसर क्या आएगा? तीसरे का आएगा डी। चौथा देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में से किस अभिलेख में कुमार गुप्त को शरद कालीन सूर्य की भांति बताया गया था। मतलब इन विच इंस्क्रिप्शंस रिसीव्ड फ्रॉम एमपी कुमार गुप्त हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है, अचुम सम। अब शीतकालीन, शीतकालीन सूर्य कहा गया था, यह आपको याद रखना होगा। इसके भी हम बता देते हैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, इसका आएगा तुमेन अभिलेख। क्या आएगा दोस्तों? इसका चौथे का आंसर आएगा तुमेन अभिलेख। बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा, तुमेन अभिलेख में कुमार गुप्त को शीतकालीन सूर्य कहा गया था। और दोस्तों ये कहां मिलता है? अशोक नगर। कहां मिलता है ये? अशोक नगर। अशोक नगर गुना से ही अलग होके बनाया गया था, अशोक नगर में ही चंदेरी है, आपको सबको याद रखना है। तो अशोक नगर में एक छोटा सा गांव है तुमेन, वहां ये अभिलेख प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों चौथे का सी। चौथे का सी आएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है।
अगला चलते हैं दोस्तों, पांचवा, किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए थे। ऐसे कौन से राजा थे जिनके बारे में यह कहा जाता था कि उनके मरने के बाद, अबाउट होम इट इज सैड दैट ड्यू टू द हिज डेथ बोथ द एजुकेटर एंड द स्कॉलर बिकेम डिस्टिट्यूट। तो ये आपको याद रखना, ये कौन है, ये परमार वंश के बड़े प्रतापी राजा है दोस्तों। इनका नाम है भोज। इनका नाम क्या है? भोज। ये आपको याद रखना है, ये परमार वंश के राजा हैं। परमार वंश के राजा, राजा भोज, आपको याद रखना है। आपको धार से लीड करते थे, ये भी आपको याद रखना है। राजा भोज ने ही भोज ताल का निर्माण करवाया, जिसे आज हम भोपाल के रूप से जानते हैं। राजा भोज ने ही भोज ताल का निर्माण करवाया, जिसे आज हम भोपाल के, ठीक है, भोज ताल को हम क्या जानते हैं, भोपाल। ये आपको याद रखना है, भोज ताल भोपाल में तालाब मिलते हैं, तो भोज ताल का निर्माण करवाया है ना, आपको याद रखना है, जिसे आज हम भोपाल के नाम से जानते हैं। राजा भोज ने एक दिन में आपको याद रखना है, राजा भोज ने एक दिन में सबसे बड़ा जो शिवलिंग है वो बनवाया था। और ये कहां है? भोजपुर। ये कहां है? भोजपुर। ये मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी कहा जाता है दोस्तों। सोमनाथ, ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसको कहते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है, ठीक है, भोजपुर को। और ये किस जिले में आता है? रायसेन जिले में आता है। ये रायसेन जिले में है, ये आपको याद रखना है, ये रायसेन जिले में है। ये भी किसने बनवाया? राजा भोज ने। एक रात में बनाया गया गई शिवलिंग है। परमार वंश के राजा थे राजा भोज। तो इतनी सारी जानकारी आपको ये एडिशनल दी जा रही है कि और भी क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। परमार वंश के राजा थे राजा भोज, ठीक है, धार से लीड करते थे, भोजताल का निर्माण करवाया, भोजपुर, रायसेन। इन्होंने धार में एक भोजशाला भी बनवाई थी, भोजशाला, ये भी याद रखेंगे, सरस्वती मंदिर है दोस्तों। और ये भोजशाला कहाँ है? धार में है। तो ये सब कुछ राजा भोज से संबंधित है, ये आपको मैं पांचवें में बता चुका हूं। ये जानकारी आपको दोस्तों बहुत अच्छी लगेगी, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि इस तरह का सेशन आपको कैसा लगा, क्या सर ये परफेक्ट रहा? 100 क्वेश्चंस के साथ साथ अब हम आपको वो भी जानकारी दे रहे हैं जो आंसर के साथ रिलेटेड है। तो आंसर होगा दोस्तों इसका पांचवा, राजा भोज। हम इसे और आपको एनालिसिस बिल्कुल प्रॉपर करके देंगे, जिससे आपके 100 क्वेश्चन तगड़े हो जाएंगे। और सिर्फ 100 ही नहीं दोस्तों, इसके साथ आपको जो जो चीजें लग रही है वो भी हम लोग बता रहे हैं। तो ये आप याद रखेंगे, राजा भोज, भोजताल, ठीक है, भोजताल, भोपाल, भोजशाला, धार जिसे सरस्वती मंदिर कहते हैं, धार के थे, परमार वंश के थे, भोजपुर, इन्हीं के बारे में ये कहा गया है, इन्हीं के बारे में कहा गया। इतने अच्छे राजा थे, इसीलिए उनके मरने के उपरांत ये बातें कही गई थी। एहसान जाफरी का जन्म स्थान कहां था? ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख लेते हैं अपन। एहसान जाफरी बुरहानपुर के रहने वाले थे। एहसान जाफरी जो गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, उनमें इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी वाइफ का ऐसा कहना था कि भाई कुछ दंगाइयों ने जानबूझकर इनकी हत्या करी, आपको ये भी याद रखना है। तो एहसान जाफरी मध्य प्रदेश से, ये सांसद भी थे, तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के थे? बुरहानपुर। एहसान जाफरी का संबंध कहां से था दोस्तों? बुरहानपुर से था, यह आपको याद रखना है। ओके, चलिए अगला आता है, राजमाता के उपनाम से प्रसिद्ध विजया राजे सिंधिया के बचपन का नाम क्या था? यह बहुत आईएमपी है, विजया राजे सिंधिया। राजमाता विजया राजे सिंधिया, जिनका संबंध दोस्तों ग्वालियर से है, ये आपको याद रखना है। जिनका संबंध कहां से है? ग्वालियर से। और सांखे राजे झील, शिवपुर के जो नेशनल पार्क है शिवपुरी में, माधव नेशनल पार्क, वहां पर इनकी समाधि है सांखे राजे झील में, ये आपको समझना है। और ये किस नाम से जानी जाती थी? तो ये जानी जाती थी लेखा दिव्येश्वरी, ये आपको याद रखना है। लेखा दिव्येश्वरी के नाम से राजमाता विजया राजे सिंधिया का जो बचपन का नाम था दोस्तों वो ये था। ये किस घराने से है? सभी को मालूम है, ये ग्वालियर के सिंधिया घराने से हैं, आपको याद रखना है। वही ग्वालियर जिस ग्वालियर के किलों को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। किलों में किल रत्न, बहुत बड़ा किला, ये सब जानकारी हम आगे वाले क्वेश्चंस में देंगे। तो दिव्या लेखा दिव्येश्वरी ये नाम है राजमाता जी का, ये आपको याद रखना है।
अगला आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रंथ परमार शासकों के इतिहास को बताता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ परमार शासकों के इतिहास के बारे में बताया? तो नवसहंसाक चरित्र, ये आपको याद रखना है, ये वाला इसका आंसर आएगा दोस्तों बी, नवसहंसाक चरित्र, ये आपको याद रखना है। ये परमार वंश के इतिहास के बारे में आपको समझाता है। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये परमार वंश के इतिहास के बारे में आपको समझाता है, बहुत अच्छे से आपको बताता है, ठीक है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के राजा और उनके वंश से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, ये आपको बताना है। मतलब इनमें आपको एक क्वेश्चन के अंदर आपको चार क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो राजा मानसिंह, बिल्कुल राजा मानसिंह तोमर डायनेस्टी के थे, ये वही राजा मानसिंह है जिन्होंने अपनी रानी, ठीक है, मृगनयनी के लिए एक भवन बनवाया था जिसको हम बोलते हैं गुर्जर महल, ये याद रखेंगे। राजा मानसिंह, इन्होंने अपनी रानी मृगनयनी के लिए गुर्जर महल की स्थापना करी थी या उसे बनवाया था, ये आपको याद रखना है। तो तोमर डायनेस्टी के लिए ये तो सही है, आपको इसमें से गलत जोड़ा चुनना है। कोकल करचुरी वंश, ये भी सही है, कलचुरी याद रखेंगे, त्रिपुरी के कलचुरी, जबलपुर अभी बताया था। यशोवर्मन चंदेल वंश के राजा, बिल्कुल सही है, यशोवर्मन का चंदेल वंश के भावी राजा थे। और धंग परमार वंश के, अब आप इसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो गलत है। तो धंग जो है दोस्तों वो परमार वंश के नहीं थे, धंग यहां पर आएगा, राजा धंग जो थे वो छतरपुर में जो चंदेल वंश हुआ करता था, ठीक है, वहीं के थे। तो ये जोड़ा, ये आंसर इसका गलत होगा। तो इस नाइंथ का आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि हमको गलत जोड़ा जुड़ना है। तो राजा धंग, ठीक है, यह आपको याद रखना है। राजा धंग जो हम लोगों ने बात करी थी कि भाई किस वंश ने खजरा के टेंपलों का निर्माण करवाया, तो हमको याद है कि चंदेल वंश के राजाओं ने, परमार जो चंदेल वंश के राजा थे उन्होंने 950 से लेकर 1050 के बीच में, ठीक है, वहां के भव्य खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया। तो ये मंदिरों का निर्माण आपको याद रखना है, राजा धंग भी उसमें से एक थे। तो वो परमार डायनेस्टी धार की है, तो यहां तो छतरपुर से रिलेशन, तो ये आंसर गलत होगा और उसमें गलत चुनना है दोस्तों। तो आपको आंसर क्या टिक करना पड़ेगा? राजा धंग। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश कब करवाया? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा एनालिसिस बता रहा हूं इसमें, कि जब हम परमार वंश की बात करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने मालवा से लीड करा, ठीक है, याद रखेंगे आप। मगर मालवा पे पहली बार आक्रमण किसने करा था? पहली बार जो आक्रमण हुआ था दोस्तों वो ऐबक ने करा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो आक्रमण था, वो आया उसने मालवा लूटा, मगर उसने दिल्ली सल्तनत में इंक्लूड नहीं करा था, ये आपको याद रखना है। पहली बार दिल्ली सल्तनत में इंक्लूड करने वाले, ये आपको याद रखना है, इंक्लूड किसने करा था? तो यहां ऐबक आंसर नहीं आएगा, वो पहली बार आक्रमण करके गए थे, इंक्लूड करने वाले कौन आएंगे? अलाउद्दीन खिलजी। तो दसवें का दोस्तों याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी के समय मालवा सल्तनत को दिल्ली सल्तनत का भाग बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। मालवा सल्तनत को दिल्ली सल्तनत का भाग बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। ऐबक ने सिर्फ आक्रमण करा था, ये भी याद रखना, ये पहले आक्रमणकारी थे, ये पहले आक्रमणकारी मालवा पर, ठीक है, और ये जोड़ने वाले, ये दिल्ली सल्तनत में जोड़ने वाले, इन्होंने दिल्ली में जोड़ा, इसमें किसमें जोड़ा? इन्होंने दिल्ली में जोड़ा। टेंथ का आंसर आएगा डी, टेंथ का क्या आएगा? डी आएगा। अगला चलते हैं, उदय चंद्र कहां का शहीद था? ये आपको पूछा जाता है कि भैया ये उदय चंद्र ने कहां के शहीद थे, तो आपका आंसर आएगा दोस्तों मंडला। ऐसे हम लोग स्टैटिक जीके भी पूछा है इसमें, तो उदय चंद्र कहां के शहीद थे? उदय चंद्र मंडला के शहीद थे, ये आपको याद रखना है। फिर सही जोड़े जमाइए दोस्तों, ये बिल्कुल देखिए, आपको राजा भोज का संबंध कहां से है, दुर्गावती का संबंध कहां से है, समुद्रगुप्त का कहां से है, और अशोक का कहां से है। देखिए बहुत अच्छा पेयर आपके सामने आ रहा है। तो राजा भोज आपको मालूम है, राजा भोज कहां से थे? धार से, अभी बताया, ठीक है। तो आप
आप इसमें जमा सकते हैं। राजा भोज कहाँ के थे? राजा भोज धार से। राजा भोज का संबंध अभी इतने इतने आने वाले क्वेश्चनों में इतनी सारी चीजें बता दी तो आपको बिल्कुल, तो पहले का क्या आएगा? तीसरा, दुर्गावती कहां से आएगी? दुर्गावती गोंडवाना की थी। दुर्गावती कहां की थी? गोंडवाना की। समुद्रगुप्त का संबंध, देखिए समुद्रगुप्त का संबंध कहां से था तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त का संबंध विदिशा, ये आपको याद रखना है, और अशोक का उज्जैन, तो आपको याद रखना है ये चार। तो आंसर इसका आएगा 3421, आंसर है इसका डी 3421, ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3421, तो ये आपका आंसर बना। बारहवें का देख लीजिए दोस्तों, डी बनेगा। बारहवें का क्या बनेगा? डी बनेगा, आपको अच्छे से देखना है, बारहवें का डी बन रहा है। चलिए अगला चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक में आपको चार क्वेश्चन मिल गए हैं इसमें, ठीक है। मध्य प्रदेश नमामि पुस्तक के रचयिता है, द ऑथर ऑफ द बुक मध्य प्रदेश नमामि, ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण उपाध्याय। क्या आंसर आएगा दोस्तों इसका? डॉक्टर वासुदेव शरण उपाध्याय, आपको याद है इसका आंसर डी है दोस्तों, डॉक्टर वासुदेव शरण उपाध्याय, इसका आंसर डी है, आपको याद रखना है। ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है मध्य प्रदेश नमामि, काफी इसकी तारीफ हुई थी, तो आपको याद रखना ये किताब किसने लिखी, ठीक है। ऐसे नमामि देवी नर्मदे ये भी पूछा जाता है, तो मैं आपको इस हमारे वीडियो में एक और क्वेश्चन आप लिख के लिए भेज रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नमामि देवी नर्मदे ये किस ऑथर ने लिखी थी, ठीक है, वासुदेव शरण उपाध्याय। देखिए दोस्तों फिर सूची आ चुकी है हमारे सामने, सूची एक से सूची दो को मिलाना है। गामा पहलवान कहां से थे? मुकेश तिवारी का संबंध कहां से था? अशोक मिश्र और जॉनी वाकर का संबंध कहां से था? तो आपको ये याद रखना है, तो ये सूची मिलाने को है। गामा पहलवान काफी प्रसिद्ध पहलवान हुआ करते थे, तो देखिए आज अभी देख लेते हैं। तो गामा पहलवान दोस्तों कहां के थे? दतिया के ही थे। मुकेश तिवारी, आप सभी इन कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाते हैं, मुझे गुस्सा आया, मैं कुत्ता काट के खाया, सभी को चाइना गेट में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे, वसूली भाई बहुत अच्छे किरदार निभा चुके हैं, तो ये मुकेश तिवारी जी हमारे, ठीक है, चाहे गंगा जल का किरदार हो इनका पुलिस वाले का। अशोक मिश्र सतना से हैं ये और जानी वॉकर जी प्रसिद्ध हस्ती हैं, ये भी ये इंदौर के हैं, तो ये सीधा मैच हो रहा है दोस्तों कि गामा पहलवान दतिया से, मुकेश तिवारी सागर से, अशोक मिश्र सतना से और जानी वॉकर जी इंदौर से, चारों सीधे की सीधे तौर पे जुड़ रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो इनका आंसर होगा दोस्तों ए, मतलब 14 का आंसर होगा ए, जिसमें 1, 2, 3, 4 ये एज इट इज बनेंगे। मजा आ रहा होगा दोस्तों आपको, हमारा सेशन कैसा लगा, ऐसा ये पीडीएफ के साथ आंसर समझाना कैसा लगा आप जरूर बताइए, कमेंट करेंगे मुझे, और एनालिसिस आपको ऐसे हम हर टेस्ट का एनालिसिस आपके सामने ऐसे ही पेश करेंगे। हमने उस दिन भी तुरंत एनालिसिस करके डाल दिया था, और ये आपकी डिमांड पे एक अलग से ये पूरे पीडीएफ के साथ आपको बना के दे रहा हूं, आप लोगों को पसंद आएगा, ठीक है, और लोगों तक हमारे इस चैनल को पहुंचाएंगे, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे एनालिसिस देखते रहिए, 100 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे दोस्तों। 15, प्रथम बार महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती का जन्म स्थान कहां हुआ था? सभी को मालूम है मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती जी थी, तो इनका संबंध मध्य प्रदेश में कहां से था, ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में कहां से था, तो आपको याद रखना है इनका संबंध था मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ से। कहां की रहने वाली थी उमा भारती जी? टीकमगढ़ की रहने वाली थी, ये आपको अच्छे से याद रखना है, उमा भारती का संबंध कहां से था? टीकमगढ़ से था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला फिर आ रहा है दोस्तों, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा है, ये आपको जोड़ी जमाना है दोस्तों कि इसमें अन्नू कपूर सभी को जानते हैं, अंताक्षरी से बड़े फेमस हुए थे, इनको विकी डोनर के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था, अन्नू कपूर, अर्चना सहाय, विवि कुमार, अश्विन तिवारी, ये हाल ही में चमके हैं अभी अश्विन तिवारी, ये यूट्यूब पे अपने हाथ से वीडियो लेके आते हैं, तो आपको याद रखना है। तो ये अश्विन तिवारी का क्या है दोस्तों, ये पहला मिला देता हूं, हास्य कलाकार है, आपको सभी को मालूम है ये क्या है, हास्य कलाकार, और अन्नू कपूर क्या है, फिल्म अभिनेता, ये दो चीज आपको थोड़ी सी ये एकदम लेटेस्ट में चमके हैं,
ये बघेलखंड के बहुत अच्छे से वीडियोस बनाते हैं, अभी हाल ही में यूट्यूब पे बड़े फेमस हुए हैं। जैसे हमारे इंदौर में एक बहुत अच्छे फेमस हुए रंजीत भैया, उनका भी याद रखेंगे, वो भी बहुत ज्यादा ओए इंदौरी। तो ये ऐसे कलाकार हैं जो इंदौर से यूट्यूब या टिकटॉक पे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए, तो इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। तो इसका दोस्तों बनेगा पहला, इसका दोस्तों आंसर क्या आएगा, पहला। ठीक है, अनु कपूर का फिल्म अभिनेता से, ठीक है, अर्चना सहाय सोशल वर्कर है, ये आपको याद रखना है। और अश्विन जो है वो है चौथे नंबर पे, तो उनका पहले से, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, विवी कुमार रंगमंच, विवी कुमार का संबंध किससे, रंगमंच। तो देखिए, तो ये आपके सामने 16 का आंसर है, 16 का आएगा ए, आपको याद रखना है। ठीक है, तो अनु कपूर का संबंध फिल्म अभिनेता से, अर्चना सहाय का सोशल वर्कर, विवी कुमार रंगमंची और अवनीश तिवारी यूट्यूबर है, आपको यहां लिख देता हूं, ये यूट्यूबर है, यूट्यूब पर अपने कंटेंट्स डालते रहते हैं, काफी प्रसिद्ध हैं ये। गलत जोड़ी पर निशान लगाना, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और सिंधिया भैया, ये देखिए ये तो बहुत इजी हो गया है, ये जबलपुर से ये संबंध बिल्कुल भी नहीं है। सिंधिया का संबंध कहां से था, ग्वालियर, इनका संबंध कहां से था, ग्वालियर से। तो आंसर आपका क्या है, गलत जोड़ा, आपको जोड़ा कौन सा चुनना है, गलत जोड़ा चुनना है, तो आपको याद रखना है 17 का डी आएगा। इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, रानी महल और चमन महल किसने बनवाया, तो ये उन्हीं ने बनवाया दोस्तों जिन्होंने भोपाल की स्थापना करी, ये उन्हीं ने बनवाया जिन्होंने किसकी स्थापना करी, भोपाल की स्थापना करी, तो आपको याद रखना है। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, दोस्त मोहम्मद खान, क्या आएगा, दोस्त मोहम्मद खान, ये 18 का आंसर होगा, दोस्त मोहम्मद खान, इनको भोपाल के संस्थापक भी माना जाता है। भोपाल के क्या है, ये संस्थापक भी माने जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 19वें नंबर पे देखते हैं, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया था, भाई कौन शांत हुआ था उसके बाद मराठाओं ने कैप्चर, देखिए तो अशोक कनिष्क तो बहुत पुराने हो गए, हर्षवर्धन भी पुराने, तो बहुत इजी आपको ग्रैब करना है, औरंगजेब, बहुत इजी आपको यहां ऑप्शन से, अगर भले ही एक क्वेश्चन आपको पहली बार आपने पढ़ा हो, मगर आपको चीज ध्यान में रखनी है कि इसका आंसर बड़ा इजी है, अशोक बहुत पुराने थे, कनिष्क हर्षवर्धन ये तीनों ही इधर मराठाओं के साम्राज्य के काल के नहीं थे, बहुत पुराने, तो आंसर क्या होगा, औरंगजेब, 19 का सी आएगा। रतलाम जिले में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 20 का ये पूछा है कि निम्नलिखित में से, ऑप्शन में से, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो रतलाम से लीड करता था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना, रतलाम से लीड करने वाले कौन थे, तो रतलाम से स्वामी ज्ञानानंद, ये आंसर आएगा, ये आएगा, तो 20 का आंसर आएगा दोस्तों, 20 का सी, देख लीजिए 20 का क्या है, सी है, स्वामी ज्ञानानंद, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब निम्न में से किस घटना को महाजन गोली हत्याकांड के नाम से जाना जाता था, तो ये आपको याद रखना है, सतना जिले की घटना है, और दोस्तों ये भी याद रखना है कि घटना कब घटी थी, तो ये सोहवाल नरसंहार कहां के नाम से जाना जाता है, सोहवाल मैस्करे के नाम से जाना जाता है, 19 जुलाई को 1938 में ये घटना घटी थी दोस्तों, 19 जुलाई को 1938 में ये घटना घटी थी, आपको याद रखना है, 19 जुलाई को 1938 में घटना घटी थी, सोहवाल नामक, सोहवाल ये किस जिले में आता है दोस्तों, ये भी याद रखना है, ये सतना जिले में आता है, ये कहां आता है, सतना जिले में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, क्रांतिकारियों को यहां मार दिया गया था, तो सतना जिले में 19 जुलाई 1938 को यह घटना घटी थी, सोहावल नरसंहार या माजन गोली कांड भी कहते हैं, माजन गांव में गोली मारी गई थी, इसलिए इसे माजन गांव के नाम से भी जाना जाता है, तो माजन गोली कांड भी कहा जाता है, यह भी आपको रखना है, या सोहावल नरसंहार के नाम से भी इसे जाना गया है, तो प्लीज ये याद रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत आईएमपी है, ये बहुत आईएमपी है, मैं आईएमपी यहां लिख देता हूं, आप इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे, मैंने डेट के साथ आपको समझा दिया है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, आपको क्लियर रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 22 पंजाब मेल हत्याकांड प्रदेश के किस जिले में हुआ था, ये भी याद रखना है दोस्तों, पंजाब मेल बहुत आईएमपी है। देखिए मैं आपको है ना फिर से, पंजाब मेल दोस्तों ये खंडवा से रिलेटेड है, कहां से रिलेटेड दोस्तों, ये खंडवा से रिलेटेड है। 11 दिसंबर 1931 को ये घटना घटी थी, किस घटना को कहा जाता है पंजाब मेल हत्याकांड, तो पंजाब मेल एक ट्रेन का नाम था और ट्रेन में ठीक है हेक्सल नाम के अंग्रेज की हत्या कर दी गई थी, हेक्सल नाम के अंग्रेज की हत्या कर दी गई थी, याद रखेंगे हमारे यहां के क्रांतिकारियों ने हेक्सल नाम के अंग्रेज की हत्या करी थी, ये आपको याद रखना है, मर्डर करा था। कौन सी ट्रेन थी, ये ट्रेन का नाम है पंजाब मेल जो है, ट्रेन का नाम है। कहां मारा था, खंडवा में मारा था, कब मारा था, 11 दिसंबर 1931 को। तो ये सारी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि आपको अगर अगले बार अगले अगर आयोग में कहीं डेट पूछ ली किसको मारा था और कहां मारा था, तो ये सारे आपको आंसर यहां मिलेंगे। मारने वाले जो थे वो हमारे भारत के क्रांतिकारी थे, उन्होंने हेक्सल की हत्या करी थी 11 दिसंबर 1931 से, आपको याद रखना है। बोला किस घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है, बहुत आईएमपी है, जलियांवाला बाग 14 जनवरी 1931 की घटना थी ये, मैं आपको घटना भी बता देता हूं, 14 जनवरी 1931 की घटना थी। चरण पादुका, ये कहां आता है दोस्तों, चरण पादुका छतरपुर में, कहां आता है ये, छतरपुर जिले में, ये आपको याद रखना है, छतरपुर जिले की यह घटना है। और 14 जनवरी 1931 को यह घटना घटी थी मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग, कहते हैं दोस्तों यहां पर भी लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई थी, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला कांड से जोड़ा जाता है। तो ये आपको एनालिसिस बहुत क्लियर रखना है, इसे क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। चरण पादुका नरसंहार याद रह जाएगा, किस नदी पर, एक बार यह भी पूछा गया था कि यह किस नदी के किनारे हुआ था, तो आपको याद रखना है यह उर्मिल, कौन सी नदी के किनारे हुआ था, उर्मिल नदी के किनारे, किस नदी के किनारे हुआ था दोस्तों, ये उर्मिल नदी के किनारे हुआ था, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। तो चरण पादुका नरसंहार छतरपुर जिले का है, आपको याद रखना है, उर्मिल नदी के किनारे, ठीक है, 14 जनवरी 1931 को हुआ था और इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला कांड कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, लाइक और कमेंट करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए एनालिसिस हमारा कैसा लग रहा है, ठीक है। और आपकी ही डिमांड पे दोस्तों एक बार फिर से हम ये चीज लेके आए हैं, एक क्वेश्चन मिस हो गया, एक क्वेश्चन इसमें मिस है दोस्तों, 23वें नंबर के बाद सीधे स्लाइड आ गई है, इसमें आप लोगों को जो पीडीएफ मिली होगी दोस्तों उसमें 24वां नंबर होगा कि मध्य प्रदेश 24वां था कि जबलपुर में किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था, तो दोस्तों उसमें द्वारिका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंद दास, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन इसमें मिस हो गया है, तो द्वारिका प्रसाद मिश्र और गोविंद दास, ठीक है, द्वारिका प्रसाद मिश्र और गोविंद दास ये दोनों ही थे और 6 अप्रैल 1930 की घटना थी, तो मैं यहां लिख देता हूं 24 वह क्वेश्चन जो था वो ये था कि नमक सत्याग्रह से था, नमक सत्याग्रह से था दोस्तों, तो आपको याद रखना है नमक सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश में जबलपुर और शिवनी से इसकी शुरुआत हुई थी, तो आपको याद रखना है जबलपुर और शिवनी में 6 अप्रैल 1930 नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 है ना दोस्तों, कब शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 में, और यहां पर दोनों ही द्वारिका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंद दास, द्वारिका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंद दास दोनों ही इसमें लिप्त थे, दोनों से ने ही नमक सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। तो 24वें का जो आंसर आएगा ना दोस्तों वो बहुत आएगा, तो 24वें क्वेश्चन का आंसर है सी दोस्तों, वो यहां मिस हो गया है इसलिए मैंने 24वें को समझा दिया है, नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 मिश्र साहब और गोविंद जी दोनों
दोनों थे इसलिए आपको याद रखना है 24वें का सी आएगा। चलते हैं दोस्तों 25वें पर, रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो आपको याद रखना है रश्मि रेखा बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी, इसके है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। कौन है दोस्तों इसके? बाल कृष्ण शर्मा नवीन, आपको अच्छे से याद रखना है। बहुत अच्छी किताब थी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई थी, द ऑथर ऑफ रश्मि रेखा, ये आपको याद रखना, रश्मि रेखा के कौन थे। चलिए अगले चलते हैं 26वें क्वेश्चन पे आते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में निम्नलिखित, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था और विवाह खंडवा के लक्ष्मण सिंह से, तो बिल्कुल सही है। कविता वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी इन्होंने ही लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। भैया ये वीरों पे लिखने वाली पहली कवियत्री भी बनी थी। भूषण जी, पहले भूषण जी का भी नाम आपने सुना होगा, ऐसे थे जिन्होंने वीर रस पे लिखा, तो वो भारत के पहले कवीर बने भूषण जी। मैं यहां आपको उनकी भी जानकारी दे देता हूं, थोड़ी काम आएगी। भूषण, ये भूषण जी पहले थे जिन्होंने वीर रस पर लिखा, और पहली कवियत्री जिन्होंने वीर रस पे लिखा वो कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो वीरों का कैसा बसंत, उनकी कार दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था, ये भी बिल्कुल सत्य वचन है। तो ये तीनों ही सही है दोस्तों, ठीक है। आपको सत्य वचन ढूंढना है तो तीनों ही परम सत्य हैं, 1, 2 और 3। तो ये परम सत्य के साथ 26वें का आंसर आ जाएगा डी। 26वें का आंसर क्या आएगा? डी आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हरदोलो के मुंह से सुनी हमने कहानी थी। तो वो जो झांसी की रानी कविता है वो भी किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती है वो भी किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने बच्चों के ऊपर भी लिखा है, तो बच्चों के ऊपर लिखने वाली पहली कवियत्री भी कौन बनी? सुभद्रा कुमारी चौहान। माखन दादा से इनका संपर्क हुआ था। कर्मवीर पत्रिका का संपादन कार्य माखन दादा मतलब माखनलाल वेदी के बाद किसने संभाला? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो ये आपको सारी जानकारी, ये भी कर्मवीर पत्रिका का संपादन कार्य संभालती थी माखन दादा के बाद, इन्होंने ही संभाला था। माखन लाल चतुर्वेदी को ये बड़ा भाई दादा कहती थी, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। जनजातीय समय पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किसने करा था? भैया बहुत अच्छे से याद रखेंगे पिछड़े शब्द का प्रयोग। चलिए जनजातियों के संदर्भ किसने कहा था कि पिछड़े हिंदू शब्द का? तो पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग करने वाले थे जीएस धुरिए साहब। किसने करा था? जीएस धुरिए। और ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, इन्हें भारतीय समाज शास्त्र के जनक भी कहा जाता है। भारतीय समाज शास्त्र के जनक, ये आप लिख लीजिए दोस्तों यहां, भारतीय समाज शास्त्र के जनक, ठीक है। और इन्होंने बुक भी निकाली थी, इनकी बुक भी बड़ी फेमस है, कास्ट एंड रेसेस, इंडियन कास्ट एंड रेसेस के नाम से इनकी बुक भी बड़ी फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। इंडियन कास्ट एंड रेसेस के नाम से इनकी बुक है, जीएस धुरिए मध्य प्रदेश सॉरी भारत के समाज शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने की थी, ये आपको याद रखना है। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना भी किसने करी थी? धुरिए साहब ने। भारतीय समाज शास्त्र के जनक कहा जाता है, और इनकी बुक कास्ट एंड रेसेस ऑफ इंडिया ये भी बहुत प्रसिद्ध थी। तो ये पूरा ये पिछड़े शब्द का किसने है? जीएस धुरिए साहब ने, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जीएस धुरिए साहब ने ये शब्द का इस्तेमाल करा था दोस्तों। घोटुल प्रथा, ठीक है, घोटुल प्रथा दोस्तों ये बहुत फेमस है, आपको एक तो चीज ये याद रखना है, घोटुल प्रथा बड़ी फेमस है। और घोटुल प्रथा में क्या होता है कि स्त्री और पुरुषों को जिनको विवाह संबंध में बनना है, उनको एक दूसरे को जानने के लिए, पहचानने के लिए, आपस में बात करने के लिए छोटे से इलाके में या छोटे से घर में उनको अलग से बिठा दिया जाता है, बातचीत कराई जाती है। ये बहुत अच्छी प्रथा मानी जाती है। तो घोटुल प्रथा द संयुक्त आवास होता है जिसमें लड़के लड़कियों को एक साथ रहते हैं। तो आंसर इसका दोस्तों ए आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला चले, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, घोटुल प्रथा आईएमपी डाल दीजिएगा भैया ये, ठीक है, आईएमपी जरूर डालिएगा इस पे।
मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह का आरंभ कहां हुआ था? तो जंगल सत्याग्रह घोड़ा डोंगरी आपको याद रखना है। सॉरी, घोड़ा डोंगरी, ठीक है, और बैतूल से चालू हुआ था। गंजन सिंह कोरकू, इनका नाम सुना होगा आपने, तो ये बैतूल में जंगल सत्याग्रह का आरंभ किया गया था। आपको ये भी याद था कि कंधे पर कंबल डालकर हाथ में लाठी लेकर अंग्रेजी सेना का विरोध किया था। 1930 की घटना है दोस्तों, ये कब की है? 1930 की। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। बैतूल से घोड़ा डोंगरी नामक स्थान पर 1930 में गंजन सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह का शुभारंभ करा था। ये वहां से उन्होंने शुरुआत करी थी, अंग्रेजों का विरोध करना चालू करा था। तो ये आपको याद रखना है, 29 का भी आएगा दोस्तों। निम्नलिखित में असत्य विकल्प चुनिए। शेख रमजान, डेलन शाह, देवी सिंह, गिरधारी बाई। अब आपको दोस्तों इसमें मिले हुए हैं, आपको यह सुनना है या यह बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। तो शेख रमजान सागर के ही हैं, बिल्कुल सही है। डेलन शाह नरसिंहपुर, देवी सिंह मंडला के। गिरधारी भाई झांसी की नहीं है, गिरधारी भाई झांसी की नहीं है। ये आपको मंडला में ही मिलेगी। कहाँ मिलेंगी? ये मंडला में ही इनकी समाधि है। तो आंसर गलत कौन सा गलत है यही बताना है। असत्य है, आपको याद रखना है, असत्य चुनना है। तो असत्य क्या होगा? गिरधारी भाई। गिरधारी भाई का संबंध मंडला से, ना कि झांसी से। झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, और झलकारी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्त मोहम्मद खां वास्तव में क्या थे? बड़ा अच्छा है ये भी क्वेश्चन। दोस्त मोहम्मद खां अभी बताया था दोस्तों मैंने, दोस्त मोहम्मद खां जो भोपाल के संस्थापक हैं, भोपाल के क्या हैं ये संस्थापक, ये आपको याद रखना है। भोपाल के संस्थापक हैं, ये अफगान थे दोस्तों, ये क्या थे? एक अफगानी थे। तो भोपाल के संस्थापक एक अफगानी थे, ये आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, अगला चलते हैं, अगला देख लीजिए। 31 महान योद्धा तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात करा था? भैया सबसे बड़े 10 विश्वासघातों में इसको जगह मिली है। तो ये याद रखेंगे, राम सिंह, मान सिंह, लक्ष्मण सिंह, अजीत सिंह, कौन थे जिन्होंने विश्वासघात करा था? तो राजा मान सिंह ने, राजा मान सिंह ने विश्वासघात करा था। किसके साथ? तात्या टोपे जी को, है ना, तात्या टोपे को शिवपुरी में, शिवपुरी में फांसी दी गई थी 18th of April, ठीक है, 1859 में। ये आगे चल के हमारे क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा, ये आप याद रख लेंगे। राजा मान सिंह ने धोखा दिया था भाई, भोजन पे बुलाया और अंग्रेजों को इतला कर दी, रात में अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया और शिवपुरी में राजा जो ताट्या टोपे साहब थे उनको फांसी दे दी गई थी, आपको याद रखना है। और धोखा किसने दिया था? मान सिंह ने दिया था। फांसी कब हुई ये भी याद रखना है, ये फांसी की डेट है, शिवपुरी में फांसी दी गई थी। तो फांसी की डेट याद रखेंगे आप, 18th of April 1859। और उधर रानी लक्ष्मीबाई का 1858 है। 1857 में दो लोगों ने क्रांति को बहुत ज्यादा लीड करा था, तो रानी लक्ष्मीबाई जो मरी थी वो 1858 में, उनकी भी डेट पूछी जाती है। और 18th of April 1859 ये डेट शिवपुरी में फांसी दी गई थी टाटा टोपे साहब को। दोस्तों मजा आ रहा है तो बढ़िया लाइक और शेयर करते रहिए, अच्छे से बढ़िया लाइक और शेयर करेंगे, जितने ज्यादा लाइक और शेयर मिलेंगे हमारा प्रोत्साहन उतना बढ़ेगा। आप भी, आपको एनालिसिस कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, एक एक चीज आपको समझा रहा हूं, उससे एडिशनल चीजें आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छी चीजें चल रही है, बने रहिए हमारे साथ। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे 100 क्वेश्चन का फटाफट एनालिसिस है। चलिए, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों से, दूसरा छोटा तो नहीं, ये तो हो गया। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संबंध में असत्य कथन को चुनिए, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स दिए गए हैं आप लोगों को स्क्रीन पे कि रामगढ़ की रानी अवंतीबाई मंडला की सेना के साथ लड़ी थी, स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद कुंवर सिंह चैन सिंह थे, ठीक है, और ग्वालियर के सिंधिया और भोपाल के नवाब अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। ये जो आपको भाई पहला तो बिल्कुल सही है, ये आपको बता दूं, पहला तो बिल्कुल सही है, रामगढ़ की रानी जो अवंतीबाई की सेना के साथ लड़ी थी, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता संग्राम में पहले शहीद कुंवर चैन सिंह थे। चैन सिंह का संबंध कहां से था? सीहोर से।
है ना, सीहोर के, अगर जो आप दोस्तों आप लोगों में से कोई होंगे सीहोर के तो आपको याद होगा सीहोर के दशहरा मैदान पर इनको फांसी दी गई थी, तो ये भी स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े हुए थे ग्वालियर। ये वाला क्वेश्चन असत्य चुनना है दोस्तों, आपको आपको असत्य चुनना है, असत्य चुनना है तो आपको याद रखना है ये वाला गलत है। क्या गलत है? C-33 का तीसरा गलत दोस्तों, क्योंकि साथ दिया था, विरुद्ध नहीं करा था, विरोध में नहीं थे, साथ दिया था। तो ग्वालियर के सिंधियाओं ने क्या करा था? अंग्रेजों का साथ दिया था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, मजा आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे मजे लूटते रहिए भैया। शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा, ये देखो अभी तो क्या है कि लोगों को ये मालूम है यार भाभरा जो है अब उसको आजाद नगर के नाम से भी जाना जाता है, अब भाभरा को आजाद नगर भी बोलते हैं, तो अलीराजपुर में आता है। तो कब हुआ था? तो ये जन्म मैंने थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है कि पूछा डेट पूछ ली, तो ये आएगी 23 जुलाई 1906 को हमारे चंद्रशेखर आजाद का जन्म इस दिन 23 जुलाई, ठीक है, 1906 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। चंद्रशेखर आजाद, जिनको आजाद इसलिए कहा जाता था कि कोर्ट में जब इनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो इन्होंने बताया था कि मेरा नाम आजाद है, तब से इनको चंद्रशेखर आजाद कहा जाता था, ये याद रखेंगे। कौन सा पर्यटन स्थान मूर्तिकला का तीर्थ कहा जाता है? अरे भैया ये तो सभी को मालूम होगा। अब उज्जैन, खजुराहो, ओरछा, मांडू, कहां पर मैंने आपको बोला है कि बहुत ज्यादा ठीक है, बहुत ज्यादा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर भाई ये जैन मुनि, ये 85 मंदिर हुआ करते थे, इनका निर्माण 950 AD से लेकर AD से लेकर 1050 AD के बीच में हुआ है। चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया, कंदेरिया महादेव मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, ठीक है, सूर्य मंदिर, ये बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे खजुराहो में, तो याद रखेंगे। तो कौन सा पर्यटन से मूर्तिकला के तीर्थ के लिए कहा जाता है? पिलग्रिम ऑफ स्कल्पचर, तो ये आपको याद रखना है खजुराहो। क्या आंसर आएगा दोस्तों? 35 का खजुराहो, ये आपको याद रखना है। और ये यूनेस्को में भी जोड़ा है, ये भी आपको याद रखना, मैंने बताया था यूनेस्को में जोड़ा गया है खजुराहो को। किस जिले में आता है खजुराहो, ये भी याद रखना, छतरपुर जिले में। किस जिले में आता है? छतरपुर जिले में। और वहां पर एक एयरपोर्ट भी है, ठीक है, तो महाराजा छत्रसाल एयरपोर्ट के नाम से अगर कोई से आपको एयरपोर्ट पूछा जाए तो आपको खजुराहो वाला एयरपोर्ट लगाना है। बहुत ज्यादा वहां पर विजिटर्स आते हैं, मतलब टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स। ये सिंपल है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है स्थित है, ये भी पूछा जाता है। उदयगिरी की गुफाएं बड़ी फेमस है भैया, तो रायसेन, विदिशा, बालाघाट, रीवा। देखिए बहुत आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है कि उदयगिरी की गुफाएं पूछी है, ठीक है, सांची के स्तूप के पास जरूर मिलती है, पर सांची दोस्तों रायसेन में और इसके पास में मिलती है उदयगिरी गुफाएं, पर जिला चेंज हो जाता है, जिला है विदिशा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिला है विदिशा। यहां पर गुफा नंबर पांच याद रखना है आपको। गुफा नंबर पांच में विष्णु जी की, भगवान विष्णु जी की वराह अवतार की मूर्ति है। वराह अवतार मतलब शुक्र, ठीक है, शुकर या सुवर आप बोल सकते हैं, उनका अवतार उन्होंने लिया था, जंगली सुवर या शुकर बोला जाता है, वराह अवतार कहा जाता है। तो वराह अवतार की मूर्ति बनी है, अपने दांत पर पृथ्वी माता को उठाए हुए हैं वो, ये आपको याद रखना है। ये कहानी आपको मिलेगी, तो विष्णु पुराण की कहानी है ये, तो आपको याद रखना है कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है, विदिशा जिले में, ये गुप्तकालीन गुफाएं, ये भी याद रखेंगे, ये गुप्तकालीन गुफाएं, कैसी गुफाएं, ये गुप्तकालीन गुफाएं, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, ये सारी गुफा नंबर पांच याद रखेंगे आप, विष्णु जी की वराह अवतार की तो मूर्ति यहां पर मिलती है, बहुत ज्यादा फेमस है विदिशा की उदयगिरी की गुफाएं। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, भैया ये गजब है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है भाई, किलों में किला किसको कहा जाता है, सबसे बड़ा किसको कहा जाता है किला मध्य प्रदेश का, तो सबसे बड़ा जो किला है वो ग्वालियर का किला है, राजा सूरज सेन ने इसका निर्माण करवाया था, 8 घरानों को ये देख चुका है, अलग अलग 8 घराने यहां पर, जैसे मैं तोमर की बात करूं, मैं अलग अलग वंशों की बात करूं, तो सेन वंश की बात करूं, तो यहां पर सूरज सेन के बनवाया गया ग्वालियर किला, इसी को
जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों ये आकार में बहुत बड़ा है, ये आकार में बड़ा है इसलिए भी, और मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों, आज फिर कह रहा हूं, ये है अफ्रीका और ऊपर आता यूरोप, तो अफ्रीका और यूरोप में बीच में एक जल संधि है जिसको कहते हैं जिब्राल्टर संधि। क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर संधि, जो उत्तर को दक्षिण से जोड़ रही थी। तो उस समय तात्कालिक भारत पर अंग्रेजों की जितनी पकड़ थी उसे उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का काम कौन करता था? ग्वालियर फोर्ट करता था। तो ये नाम दोस्तों ये इंग्लिश लोगों ने, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने दिया है, ये ब्रिटिशर्स का दिया गया नाम है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, ग्वालियर के किले को कहा जाता है, आकार के कारण भी, उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है इसके कारण भी। सोनगिरी का जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में? भाई सोनगिरी का जैन मंदिर शिवपुरी, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर, जल्दी बताइए, बहुत इजी है। सोनगिरी जैन मंदिर काफी प्रसिद्ध है और ये कहां आएगा? यह आएगा दतिया। कहाँ है? दतिया में। सोनगिरी का जैन मंदिर काफी फेमस है, काफी बड़े जैन मंदिर हैं यहाँ पर। तो सोनगिरी का जैन मंदिर कहाँ है? दतिया जिले में, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है? भैया ये बड़ा अच्छा है, मदन महल, मदन शाह ने बनवाया था, ये कहाँ आएगा दोस्तों? जबलपुर में। किसने बनवाया था? मदन शाह के द्वारा। ये गोंड राजा थे दोस्तों, ये याद रखना है आपको, गोंड राजा थे मदन शाह, ये आपको याद रखना है। 11वीं शताब्दी में कब बनवाया था? 11वीं शताब्दी में मदन शाह ने एक किले का निर्माण करवाया था, जबलपुर में स्थित है मदन शाह, 11वीं शताब्दी, ये आपको याद रखना है, 11वीं शताब्दी में ये बनवाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ये याद रखिएगा दोस्तों, मदन शाह। इनमें से कौन सा जैन तीर्थ स्थान नहीं है? मुक्तागिरी, सोनगिरी, कुंडलवन और सांची। बड़ा अच्छा है ये भी दोस्तों क्वेश्चन, आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा जैन तीर्थ स्थान नहीं है, नहीं बताना है, तो आएगा सांची। क्या आएगा दोस्तों? सांची, क्योंकि सांची जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सांची किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। यहां आपको मालूम है सांची के स्तूपों का निर्माण, यहां स्तूप है, तो ये जो स्तूप है किसने बनवाए थे? अशोक ने बनवाए थे दोस्तों। किसने बनवाए थे? अशोक ने, मैं लिख देता हूं, अशोक ने बनवाए थे, ये आपको याद रखना है। और ये इस तरह के स्तूप हैं दोस्तों, और इसके आसपास की दीवारें और जो भव्य गेट होता है, इस तरह से गेट बना है, आपको याद है, ठीक है। तो ये जो भव्य गेट है, इस तरह के गेट का निर्माण शुंग वंश के राजाओं ने, किसने करवाया? शुंग वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों, आपको याद रखना है। इसका निर्माण किसने करवाया? शुंग वंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया। सांची के जो जो संबंध है वो गौतम बुद्ध, आप याद रखें, बुद्ध जो महामोग गलायन और सारी पुत्र उनके जो शिष्य हुआ करते थे, उनकी समाधि यहां पर आपको मिलेगी। किनकी समाधि मिलेगी? उनकी समाधि आपको यहां मिलेगी। तो इसका संबंध सांची का संबंध बौद्ध, इसलिए जैन धर्म से नहीं है। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? सांची, ठीक है। यह भी यूनेस्को में शामिल है, यह भी यूनेस्को में शामिल है, और यह भी दोस्तों कहां आता है? रायसेन जिले में। यह कहां आता है? रायसेन जिले में। तो सारी चीज याद रखिएगा, आपको गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई चीजें हैं सांची में, इसको बोध श्री पर्वत भी बोलते हैं। हाल ही में यहां बौद्ध यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, बोधि वृक्ष श्रीलंका से लाकर फिर से यहां बड़ा कराया जा रहा है, तो बोधि वृक्ष भी यही है। गौतम बुद्ध से जुड़ी घटनाएं आपको मिली है, बनवाया किसने था? अशोक ने। आसपास की दीवारें और गेट का निर्माण शुंग वंश के राजाओं ने करवाया। तो यह सारी समस्त जानकारी यूनेस्को में से भी जुड़ा है, रायसेन जिले में आता है, आपको यहां चौथे 40वें नंबर पर मिल गई है। बहुत अच्छा एनालिसिस चल रहा है दोस्तों। तानसेन का मकबरा, तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? वेयर इज तानसेन टॉम लोकेटेड? बहुत इजी है तानसेन, आप अपने कमेंट बॉक्स में भी बताइए। तानसेन के दो तीन नाम थे, राम, तनु, पांडे, तन्नू मिश्रा, ठीक है। और ये जो तानसेन का मकबरा है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, ये सबसे, मध्य प्रदेश का क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? ये मकबरा है। और ये कहां है दोस्तों? ग्वालियर में। इनके पास इनके गुरु का भी मकबरा है, जिनका नाम है मोहम्मद गोस। तो मोहम्मद गोस का मकबरा भी याद रखेंगे, ये भी कहां है? ग्वालियर में है, ये आपको याद रखना है, जो इन्हीं के कब्र के पास मिलेगा। और तानसेन साहब, तानसेन साहब का वास्तविक नाम था राम तनु पांडे, राम तनु पांडे, ठीक है, या इनको तन्नू मिश्रा भी कहते हैं।
क्या कहा जाता है इनको, तन्नू मिश्रा और पांडे दोनों लगाते थे ये, तो तन्नू मिश्रा है, राम तनु पांडे, तानसेन इनको नाम अगबन में अकबर ने दिया था और ये अकबर के नौ रत्नों में से एक थे। तो ये सारी जानकारी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए हमारे विनर्स के यूट्यूब चैनल पर। ज्यादा से ज्यादा लाइक होना चाहिए, रिकॉर्ड टूटना चाहिए भैया इस एनालिसिस के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक मिलना चाहिए। इतने इत्मीनान से आपको एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस समझाया जा रहा है, तो भाई हक बनता है ये सेशन को रिकॉर्ड लाइक्स मिलना चाहिए, रिकॉर्ड व्यूज मिलना चाहिए। चलिए 42 पर आते हैं। होशंगशाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए यहां से भी आपको जो जानकारी दूंगा मजेदार रहेगी, इसलिए कह रहा हूं अंत तक बने रहिएगा। सेशन थोड़ा सा लंबा होगा मगर गारंटी देता हूं 100 से ज्यादा क्वेश्चन, 100 तो यहां लिखे थे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको बनवा दूंगा। और यही हमारी आज इस सेशन का ध्येय है दोस्तों, जितना आपको यहां से दे पाऊं उतना देने के लिए आया हूं मैं देवेंद्र सिंह यादव विनर्स के इस चैनल से, आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के लिए सेशन बनाया है। तो होशंगशाह का मकबरा भैया किस लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए विशेष शैली होने के कारण भव्यता के लिए? नहीं भैया, ये संगमरमर से बनी भारत की पहली इमारत थी, ये संगमरमर से बनी भारत की पहली इमारत थी, आपको याद रखना है। दोस्तों शाहजहां ने जब मुमताज बेगम के लिए आगरा में जो किला बनवाया, जो मकबरा बनवाया, ताजमहल, उसको देखने, उसको बनाने से पहले संगमरमर की कौन सी इमारत बनी थी, तो आपको याद रखना है होशंगशाह का मकबरा। ये मांडव में है, ये मांडू में आपको मिलता है। कहां मिलता है दोस्तों? ये मांडू में मिलता है। ये भारत में संगमरमर मार्बल से निर्मित पहली थी, आपको ये याद है। जब ताजमहल बनाया जा रहा था तो 3-4 चीजों से उसको कॉपी किया गया था। पहली तो पेत्रा धुआ पद्धति, पेत्रा धुआ पद्धति क्या दोस्तों? कि डोम टाइप स्ट्रक्चर होगा, पीछे दो पिलर होंगे और आगे दो पिलर, तो आपको देखिए इस तरह से तो ताजमहल की आकृति मिलती है। पेत्रा धुआ पद्धति से बनने वाली पहली इमारत ताजमहल थी? नहीं, पहली इमारत थी एतमादुद्दौला का मकबरा। अब ये एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया गया था, ठीक है, किसके लिए ये बनवाया गया था? जो नूरजहां के पिताजी थे गयास बेग, उनके लिए बनवाया गया था एतमादुद्दौला का मकबरा। वो पेत्रा धुआ से बनने वाली पहली इमारत थी, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, वो पेत्रा धुआ से बनने वाली पहली इमारत थी गयास बेग का मकबरा, जिसको एतमादुद्दौला का मकबरा बोलते हैं। इसके अलावा आप इस पद्धति को हमने आगरा में कॉपी करवाया था। और दूसरा चारबाग टेक्निक, तो चारबाग पद्धति से बनने वाली पहली इमारत थी हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं के मकबरे को देखा गया, वहां से चारबाग टेक्निक गई। दूसरा पेत्रा दुआ टेक्निक देखी गई जो एतमादुद्दौला के मकबरे से कॉपी की गई, और तीसरा होशंगशाह से कॉपी की गई थी जो संगमरमर से। तो इन तीन चीजों को कंबाइन करके ताजमहल बनाया गया, जो भारत का सबसे बड़ा मकबरा है। ताजमहल मकबरा है, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आया कि सबसे बड़ा मकबरा कौन सा, तो आपको याद रखना ताजमहल, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपके लिए, कैसी लगी जानकारी जरूर नीचे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपना बाल्यकाल बिताया? भैया इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, जरूर सुनाना चाहूंगा। चित्रकूट में सती अनसुईया जी का आश्रम है, चित्रकूट में क्या है बेटा? सती अनसुईया जी का आश्रम है। और सती अनसुईया जी अपने सत के लिए, अपने अपने भगवान की भक्ति के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी। तो एक बार सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पत्नियां हैं, उन्होंने भैया अपने देवताओं से कहा कि आप, हम आपकी इतनी सेवा करती हैं, आप हमें इतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना आप सती को करते हैं, क्यों ना आपके इस वचन की जांच की जाए, एक परीक्षा ली जाए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साधु वेश में चित्रकूट में, ये देखो आंसर यहां चित्रकूट ही आएगा, चित्रकूट में सती अनसुईया जी के आश्रम पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि माता हमें खाना खाना है आपके हाथों का, और हमने सुना है कि आपके चरित्र पर एक भी दाग नहीं है, तो हमारी यह शर्त है कि हम आपके हाथ से खाना तभी ग्रहण करेंगे जब आप पूरा निर्वस्त्र होकर हमें खाना खिलाएंगी। सती अनसुईया जी सत में बहुत तेज थी, उनको समझ आ गया ये किसी प्रकार की परीक्षा ली जा रही है। वो अपने घर के भीतर गई, उन्होंने अपने घर के जल को उन साधुओं पे छिड़का और तीनों साधुओं ने बचपन, मतलब अपने बचपन वाले कैरेक्टर में आ गए। फिर सती अनसुईया जी ने उनको लिया और अपने स्तनपान करवाया, मतलब फीडिंग करवाई, उन्होंने उन साधुओं की बात रख ली और उनको बड़ा नहीं करा, काफ़ी समय तक वो अपने बचपन रूप में ही रहे थे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कहानी आप याद रखेंगे, सती अनसुईया आश्रम चित्रकूट दोस्तों, कहाँ आता है? चित्रकूट, चित्रकूट के जिले में है, सतना।
कहाँ है? चित्रकूट सतना जिले में है। कहाँ है? चित्रकूट सतना जिले में है। ठीक है, आपको याद रखना है। आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे कि चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मैं चेक करूंगा दोस्तों। लोक नृत्य एवं राज्य का असंगत, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा असंगत है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डांस जो फोक डांस है वो इनकम्प्लीट है। तो नोटंकी, कजरी, थाली उत्तर प्रदेश, कर्मा जत्रा झारखंड, गरबा लास्या रासलीला गुजरात, और आपको सुवा सरूल पंथी। तो इसका आंसर आएगा बेटा डी। इसका आंसर क्या आएगा? डी। ये आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। आपको अच्छे से याद रखना है इसका आंसर क्या है, डी है। ठीक है दोस्तों, ठीक आंसर डी, सुवा सहुल पंथी मध्य प्रदेश के जो है ये डांस फॉर्म में आते हैं। ये कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए आज का आंसर है। 45 पे चलते हैं दोस्तों, आप इजी है, मैच करना था, इजी आपको मैच करना है इसलिए मैंने इसको ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करा। सूची मिलानी है दोस्तों, कर्मा, हरदोल की मनोती, लहंगी और काठी। तो बहुत अच्छा है दोस्तों कि आपको इसमें मिलाना है। तो कर्मा नृत्य कहाँ होता है, हरदोल की मनोती कहाँ मनाई जाती है, लहंगी डांस कहाँ होता है, काठी डांस कहाँ होता है। तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा दोस्तों नीचे वाला डी। ठीक है, मैं इसका आंसर है दोस्तों डी। ठीक है, ये आपको याद रखना, नीचे का आंसर डी ए बी सी, डी ए बी सी। तो पहले का डी, ए, बी और सी ऐसा बनेगा दोस्तों। कर्मा पूर्वी मध्य प्रदेश में, कर्मा जो हमारी गोंड जनजाति है, इस तरह से पूर्वी मध्य प्रदेश में पाए जाने वाली जनजातियों में से कर्मा होता है। हरदोल की मनोती बुंदेलखंड, ठीक है, हरदोलों और बुंदेलों से सुनी हमने कहा था। तो हरदोल जनजाति, हरदोल की मनोती, हरदोल एक राजा का नाम था, तो हरदोल की मनोती कहाँ मनाई जाती है, बुंदेलखंड में। ठीक है, ओरछा आप ऐसे याद रख लेंगे और अच्छे से, और इसको स्पेसिफिकाई कर दूं तो ये ओरछा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लहंगी आपको याद रखना है, कंजर और बंजारा डांस है, काठी निमाड़ में होता है। तो ये सारे डांस फॉर्म्स है, ठीक है, लोग अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में असत्य को छाटे, दादरिया, बुंदेलखंड, लावनी, बघेलखंड, बंबूरिया, बगबंदोर, लेरो। तो लावनी आपको याद है, लावनी तो यहाँ का है ही नहीं, तो ये तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। तो ये इसका आंसर बनेगा दोस्तों, ये बी आएगा, लावनी तो महाराष्ट्र में आता है, ये महाराष्ट्र का। तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, बी बनेगा, लावनी का। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला देखिए, रेलो गीत मध्य प्रदेश की किस जनजातियों के युवक युवतियों का है। रेलो गीत, रेलो गीत कौन गाता है भाई, ठीक है, रेलो गीत कौन गाता है, ये आपको याद रखना है। रेलो गीत किससे संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो रेलो गीत संबंधित है जो दोस्तों भील जनजाति से, किससे संबंधित है, ये भील जनजाति से संबंधित है, आपको याद रखना है। रेलो गीत किससे संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, रेलो गीत किससे संबंधित है, भील जनजाति से। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, भील जनजाति से रेलो गीत संबंधित है। लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय। बहुत अच्छा दोस्तों कि लोक नृत्य कला संग्रहालय कहाँ है, वेयर इज द डांस आर्ट म्यूजियम लोकेटेड, खजुराहो। कितनी सारी जानकारी मैं आपको खजुराहो के बारे में ऑलरेडी दे चुका हूँ, यूनेस्को से जुड़ा है, छतरपुर में आता है, आपको बताया मैंने कहाँ आता है, छतरपुर में, महाराजा छत्रसाल एयरपोर्ट यही है। महाराजा छत्रसाल एयरपोर्ट यहीं पर है, आपको याद रखना है कहां है, महाराजा छत्रसाल एयरपोर्ट आपको खजुराहो में मिलेगा। जवारा नृत्य संबंधित है, ये भी बहुत अच्छा है दोस्तों। 49 देखिए कि जवारा नृत्य किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों बुंदेलखंड से। कहां से संबंधित है, ये बुंदेलखंड से संबंधित है। जवारा नृत्य किससे संबंधित है, बुंदेलखंड से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। 49 का डी आएगा दोस्तों। चलिए, अगला जो टेस्ट होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है, ये भी याद रख लीजिए। अगला टेस्ट 30 जनवरी को है, रविवार को होगा। समय का विशेष ध्यान रखेंगे, समय का विशेष ध्यान रखेंगे। और 30 जनवरी को अगला टेस्ट है, टेस्ट यूनिट 2 पर होगा दोस्तों। यूनिट 2 मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, हमारे आयोग के द्वारा जो सिलेबस दिया गया उसमें जो यूनिट 2 है उस पर यह टेस्ट रखा जाएगा। यूनिट 2 30 जनवरी को, समय का विशेष ध्यान रखेंगे, समय है 12 बजे। कितने बजे आना है आपको, 12 आपको 12 बजे, ठीक है। तो हम 12 PM पे आपको मिलेंगे, तो 12 बजे हम आपसे रूबरू होंगे दूसरे टेस्ट के साथ, और उसका एनालिसिस भी ऐसा ही PDF के साथ आपको किया जाएगा वहीं ऑन द स्पॉट टेस्ट खत्म होने के बाद।
मालवा का लोक नाट्य है, भैया ये तो इजी है, ये तो ऐसे क्या स्टैटिक हो गया कि मालवा का लोक नाट्य है, तो इसका आंसर माच आएगा, इसका आंसर क्या आएगा माच। ये मध्य प्रदेश का भी लोक नाट्य, ये मध्य प्रदेश का भी है, ये मध्य प्रदेश का भी नाट्य है ना, ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय राजकीय नाट्य है वो भी पूछा जाता है, तो वो क्या है माच। ठीक है, और नृत्य में राई आएगा, तो ये पूछा जाता है कि नृत्य क्या है, नाट्य क्या है, तो नाट्य में जिसमें आप डांस के साथ एक मैसेज भी छोड़ते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, वो नाट्य होता है, और इसमें सिर्फ डांस करते हैं वो नृत्य होता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 50 का माच। गायकों का बसदेवा गायन समुदाय, ठीक है, तो बसदेवा गायन कहाँ का, ये आपको याद रखना है, बसदेवा गायन कहाँ का है आपको याद रखना है, ये है दोस्तों बघेलखंड, कहाँ का आएगा ये बघेलखंड में, बसदेव, ठीक है, बसदेव गायन कहाँ है बघेलखंड में, लोक नृत्य और कला में आपको मध्य प्रदेश में ये आपको मिलेगा, कहाँ है बघेलखंड में। आला लोक गीत, अरे बड़ी अच्छी चीज है भैया, ये देखिए यहाँ पर आला लोक गीत आमतौर पर मध्य प्रदेश के किस भाग में जाया जाता, आला खंड, ये नाम सुना होगा दोस्तों आपने, आला खंड, आला खंड विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा वाचिक महाकाव्य, वाचिक महाकाव्य, और किसने रचना की थी इसकी, जगनीक ने, किसके रचनाकार कौन है, जगनीक, और ये किस पर लिखा गया है दोस्तों, आला और उदल पर, आला और उदल, आला उदल, पांच भाइयों में से दो भाई थे काफी फेमस थे आला और उदल, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान से इनके संघर्ष की गाथा भी सुनाई जाती है, तो आला और उदल की ये वीर गाथा है दोस्तों, आला और उदल की ये क्या है, वीर गाथा है, और इसका संबंध बुंदेलखंड से है, किससे इसका संबंध बुंदेलखंड से, ये आपको याद रखना है, आला और उदल की ये वीर गाथाओं का है, उसका संबंध बुंदेलखंड से आपको अच्छे से याद रखना है, एकदम लाउड एंड क्लियर, ठीक है। जगनीक साहब ने लिखा है आलाखंड, और आराध्य देवी पूछी जाती है, तो शारदा देवी, मैयर की शारदा देवी आपको याद रखना, सतना जिले में आती है, तो वो भी आला और उदल की, तो ये पहला 52 से काफी जानकारी आपको यहां से मिल गई है, 52 से आलाखंड विश्व का सबसे बड़ा वाचिक महाकाव्य, जगनिक साहब ने लिखा है, आला और उदल पे लिखा है, आला उदल की आराध्य देवी मैयर वाली शारदा देवी है, ठीक है, और इनका संघर्ष पृथ्वीराज चौहान से भी हुआ है। देवारी गीत गाए जाते हैं, ये आपको याद रखना, देवारी गीत, ठीक है, कहाँ कब गाए जाते हैं भैया देवारी गीत, तो आपको याद रखना है ये देवारी गीत भैया दिवाली के अवसर पे गाए जाते हैं, कब गाए जाते हैं दिवाली के अवसर पर, ये आपको याद रखना, बुंदेलखंड का ही ये बुंदेली गीत है, ये बुंदेली गीत है, आपको याद रखना, बुंदेलखंड में ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है, बुंदेली गीत है, और ये देवारी गीत कब गाया जाता है, दिवाली पे गाया जाता है, तो 53 का ए दोस्तों। पेमा फालिया किस चित्र के लिए चित्रकार थे भैया, ये याद रखेंगे, पेमा फालिया झाबुआ से इनका से है पिथोरा चित्र, ये आंसर है इसका पिथोरा, और इनका संबंध कहां से है, झाबुआ से है ना, तो इनको हाल ही में गवर्नमेंट ने इनको सम्मानित भी किया है, तो पिथोरा चित्र के लिए प्रसिद्ध है पेमा फालिया जी, ठीक है, और ये झाबुआ से संबंधित है, कहां से संबंधित है, झाबुआ से। अगला देखिए 55 आ रहा है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित संगीतकारों को उनके संबंध के क्षेत्र के अनुसार सम्मिलित कीजिए, भैया उस्ताद अलाउद्दीन खां, अमीर खां, मृगनाचार्य, कुमार गंधर्व, तो ये आपको ख्याल गाकी, सयोद वादक, सितार वादक, मृदंग वादक, ये आपको याद रखना है, तो इसमें क्या है आंसर दोस्तों, इसका आंसर आएगा सी, सी आएगा, मैं सी पे मार्क कर देता हूं, सी आएगा इसका आंसर। तो मतलब उस्ताद जो है वो सरोद में, उस्ताद अलाउद्दीन खान किससे जुड़े हुए थे, सरोद से जुड़े हुए थे, आपको याद रखना है, आमिर खान सितार वादक थे, आमिर खान का संबंध ये याद रखे, इंदौर घराने के संस्थापक माने जाते हैं, तो इंदौर घराने के संस्थापक कौन है, आमिर खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान, ये संगीत पीठ मैयर संगीत पीठ से रिलेटेड है, ठीक है। तीसरा देखते हैं ये मृदंग, नाम ये मृंगाचार्य, तो किससे जुड़े हैं, मृदंग से, बहुत सिंपल है, मृदंगाचार्य मृदंग वादक, और कुमार गंधर्व ये कहाँ से जुड़े,
जुड़े हैं खयाल गायकी से। कहां से जुड़े? खयाल गायकी। कुमार गंधर्व का जो संबंध है वो देवास जिले से है, तो देवास के जो जिला या देवास जो नगर है उसको दो कहा जाता है, माँ चामुंडा की नगरी भी और कुमार गंधर्व की नगरी भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो 55 में आपको आंसर सी लगाना है, जिनका सही है देख लीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में सबके नंबर भी चाहिए। लिखिंदर शब्द संबंधित है, तो ये लिखिंदर किससे? राम कथा से, पिथौरा भित्ति चित्र से, परधोनी से या नरोता से? तो आपको याद रखना है ये किससे जुड़े हैं, ये भाई ये भित्ति चित्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये भित्ति लिखिंदर है, ये लिखिंदर किससे दोस्तों? 56 का आएगा बी, 56 का क्या आएगा? बी आएगा, लिखिंदर जो है वो संबंधित है पिथौरा भित्ति चित्र। अभी बताया पिथौरा भित्ति चित्र, अभी मैं पेमा फाजमिया की बात कर रहा था, झाबुआ जिले से थे, ये आपको याद रखना है। तो आंसर क्या आएगा इसका? 56 का बी। कलावाथिकी कहाँ स्थित है? बहुत आईएमपी है, द वेयर इज आर्ट गैलरी लोकेटेड? आर्ट गैलरी कहाँ है दोस्तों, याद रखना है। तो आर्ट गैलरी है ग्वालियर में, कहाँ है? ग्वालियर में, आर्ट गैलरी ग्वालियर में है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप तक पहुँचाई जा रही है, फटाफट एनालिसिस कर रहे हैं। जिस क्वेश्चन में ज़्यादा मैं समझाने को आपको रख रहा हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे ज़्यादा आपको जानकारियाँ दिए जा रहा हूँ। ग्वालियर के बट्टू भाई ने किस काम के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? वस्त्रों की बुनाई में, लोक चित्रकारी में, ठीक है, या पत्थर की नक्काशी में, या गुड़िया शिल्प में? तो ये आपको याद रखना है कि बट्टू भाई बड़ी फेमस हुई थी, बट्टू भाई, तो बट्टू भाई का है डॉल क्राफ्ट। बट्टू भाई का क्या आएगा? डॉल क्राफ्ट से ये इनका संबंध है और ये काफी फेमस है डॉल क्राफ्ट के लिए। तो गुड़िया शिल्प इसका आंसर है दोस्तों, बट्टू भाई ग्वालियर की थी। तो आपको उठाना क्या है? बट्टू भाई कहाँ की थी? ग्वालियर से संबंधित है और डॉल क्राफ्ट के लिए। तो तीन चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत के जनक तानसेन मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कौन से स्थान से? अरे भैया ये तो बड़ा इजी है, ये ग्वालियर जिले में ही आता है, बेहट नाम है, ये कहां आता है? ग्वालियर में। अभी इनके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको पिछले कुछ स्लाइड्स के पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें आपको बता चुका हूं। नवरत्नों में से एक थे। लोक नृत्य कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? वेयर इज द फोक डांस एंड आर्ट म्यूजियम लोकेटेड? ये रिपीट हुआ है, तो ये आपका क्वेश्चन आएगा खजुराहो, कहाँ है लोक नृत्य कला संग्रहालय? खजुराहो में स्थित है। 61 देखते हैं दोस्तों, रेलो गीत ये बता दिया था भील से है, ये रेलो गीत का क्या आंसर आएगा दोस्तों? भील है इसका आंसर। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित किस जाति को जंगलियों के भी जंगली कहा जाता है? ये बड़ा अच्छा है, किसको जंगलियों के जंगली? सबसे पिछड़ी जनजाति कहा जाता है दोस्तों, ये पूछा जाता है, तो ये आएगा भारिया। आंसर क्या आएगा? भारिया, पाताल कोट के भारिया, पाताल कोट कहाँ आती है? तामिया तहसील। और ये तामिया तहसील कहाँ आती है? ये आती है छिंदवाड़ा, ये कहाँ आती है? छिंदवाड़ा में आती है, कहाँ आती है? छिंदवाड़ा में आती है। तो आपको याद रखना है सारी चीजें। तो जंगलियों के जंगली, सबसे पिछड़ी जनजाति, ये सब किसको कहा जाता है? भारिया को। सबसे पिछड़ी, आप यहां लिख दीजिए सबसे पिछड़ी जनजाति भी कौन है? यही है। निम्नलिखित कौन गोंड के कायला भूतिस कहलाते हैं? भैया ये कौन है जो कायला भूतिस कहलाते हैं? ठीक है, पुजारी वर्ग, नाचने गाने वाले वर्ग, ठीक है, और लोहे का काम करने वाले या बढ़ई का काम करने वाले, पूछा जाता है। तो नाचने गाने वाले गोंड को क्या कहा जाता है? आंसर आएगा बी, नाचने गाने वाले गोंड को क्या कहा जाता है? कालिया भूतीस। ये आपको याद रखना है, क्या कहा जाता है? कालिया भूतीस कहा जाता है, अच्छे से याद रखेंगे। अगला देखते हैं, 64 मध्य प्रदेश के बघेलखंड में स्थित में गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है, बांबूरिया, रेवात, बहलेत और बसदेव। बसदेवा गायन अभी बताया था, बुंदेलखंड से, बघेलखंड से, तो बसदेवा गायन क्या आएगा इसका आंसर? आएगा दोस्तों डी, बसदेवा गायन। ठीक है, बसदेवा गायन बघेलखंड से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है बसदेवा गायन। 64 का आंसर क्या आएगा? बसदेवा। ठीक है,
हाल ही में किस जयंती को प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस, अरे भैया ये बढ़िया, जनजाति गौरव दिवस आपको मालूम होना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, अभी घोषित करा है और किसके नाम पर घोषित करा है, तो बिरसा मुंडा, क्या आएगा, बिरसा मुंडा, आपको कंफ्यूजन ये दो ही में होना चाहिए, टांटा बिल और बिरसा मुंडा, तो आपको क्या है, बिरसा मुंडा याद रखेंगे, क्या याद रखना है आपको, बिरसा मुंडा आपको याद रखना है, तो जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा पे, और अभी याद है टांटा बिल के नाम से बहुत जो चौराया इंदौर का उसका नाम चेंज करा गया है, ठीक है, इंदौर के आईएसबीटी का नाम टांटिया भील के नाम से होगा, यहां पर पातालपानी नामक एक रेलवे स्टेशन है पास में इंदौर के, वहां का नाम भी टांटिया भील रेलवे स्टेशन होगा, मगर बिरसा मुंडा के नाम से जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे स्पेशल की किस दिन को मध्य प्रदेश सरकार ने जनजाति गौरव दिवस में घोषित करा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला चलते हैं, अगला देखते हैं। 66 मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस जिले में, भैया प्रतिशत पूछा है, जनसंख्या नहीं पूछी, प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत पूछा है तो आंसर क्या होगा, अलीराजपुर, अलीराजपुर में सबसे ज्यादा है, तो आपको याद रखना है बेटा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस जिले में आता है, यह आता है अलीराजपुर में, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहां पाई जाती, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहां पाई जाती है, ये बहुत बार बहुत आईएमपी है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, एक जनजाति का नाम है ये बालाघाट में मिलेगी, कहां मिलेगी, बालाघाट में, हमने आपके लिए कुछ यूनिक क्वेश्चंस भी लेके आए, ये कहां मिलेगी, बालाघाट में मिलेगी दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है, इसका संबंध मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। 68 सूची आ रही दोस्तों, सूची मिलानी है आपको, दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए, इन द रिस्पेक्ट ऑफ लिस्ट ए एंड बी सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, आपको नीचे जो कोड दिए इनका आपको याद रखना है, लिस्ट ए दिए छिंदवाड़ा मंडला झाबा शिवपुरी, उधर भील भारिया गोंड सहारिया, इस तरफ से इस तरह लिस्ट दिए, तो 68 में आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, 68 इसका आंसर सी आएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा, सी, ठीक है, तो आपको याद है छिंदवाड़ा के पातालकोट के भारिया ये है, तो पहले का दूसरा है और दूसरे का तीसरा मंडला गोंड से संबंधित है, और तीसरे का पहला झाबुआ में कौन ज्यादा रहते हैं, भील, और शिवपुरी में कौन से, सहारिया जनजाति, तो ये आपको जनजाति के डायग्राम्स आपको मैप में बनाने पड़ेंगे, वहां से आपको एनालिसिस करते आसानी से बनेगा दोस्तों, तो 68 का आएगा सी। गोंड जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है, ये भैया अच्छा है, आपको है कि गोंड जनजाति, 69 का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि गोंड जनजाति के को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है इसको कहा जाता है देवरी, ओझा नहीं दोस्तों, ओझा नहीं, ओझा भीलों में है, तो आपको याद रखना है 69 का क्या आएगा, बी आएगा, जब हम लोग इसको लाइव एनालिसिस करा था तब भी आप लोगों के डाउट आ रहे थे, तो क्लियर कर लीजिएगा 69 का ये आएगा देवरी बी। अगला आ रहा है सर्वाधिक आधुनिक जनजाति कौन सी, ये बहुत, जब मैंने करवाया था तो आप लोग जो उस समय लेकिन सर नहीं इसमें भील आएगा गोंड आएगा, तो बेटा आप लोग इसको अच्छे से खंगालिएगा, आंसर है कोल, यही राइट आंसर है, ठीक है, ये आंसर सही है, इसका आंसर आएगा कोल, 70 का आंसर आएगा दोस्तों कोल, कोल जनजाति जो है वो सबसे आधुनिक जनजातियों में मानी जाती है, उसके बाद फिर गोंड आएगा, भील के बाद फिर गोंड। छिंदवाड़ा में पातालकोट जनजाति का निवास स्थान है, तो भैया हमने बताया था कौन सी जनजाति है, हमने बताया था भारिया, ठीक है, भारिया, छिंदवाड़ा, ये मध्य प्रदेश का आकार जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, और दूसरा सागर है, याद रखना, शिवपुरी नहीं, दूसरा सागर आता है, आकार की दृष्टि से पहला है छिंदवाड़ा, दूसरा सागर आएगा, तो 71 का भारिया, पातालकोट के भारिया यहां मिलते हैं। सहारिया जनजाति, सहारिया जनजाति मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में अधिक संख्या में पाई जाती है, सहारिया जनजाति देखिए ऊपर के जिलों में मिलेगी, जब हम मध्य प्रदेश का मैप बनाएंगे ना दोस्तों, तो ऊपर के जिलों में, इस तरह से अगर मध्य प्रदेश का मैप बनाया जाए तो ऊपर के जिलों में, यहां पर सहारिया, तो ऊपर के जिले मुरैना श्योपुर शिवपुरी, इसके अलावा कोई है क्या, नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका मुरैना, 72 का क्या आएगा, ए, 72 का ए आएगा दोस्तों, 72 का ए आएगा, आपको अच्छे से याद रखना है, 72 का क्या है, ए।
किस जनजाति के निवास स्थान को सहारा कहा जाता है, किस जनजाति के निवास स्थान को सहारा कहा जाता है। दोस्तों ये श्रृंखलाबद्ध होते हैं, ये मकान जो है ये श्रृंखलाबद्ध होते हैं, आपको याद रखना है। और ये सहारिया के ही घरों को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो 73 का आएगा ए आएगा, 73 का क्या आएगा ए, ये सहारिया के घरों को कहा जाता है। ये एक श्रृंखला में बने होते हैं, कैसे बने होते हैं, सीरीज में, एक जैसे एक लाइन में अलाइन होते हैं, एक लाइन में बने होते हैं, इसलिए उसको शहर कहा जाता है। और उसी से क्या आता है, सहारिया शब्द आया है, ठीक है, याद रखेंगे। जो अभी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के उत्तर में नॉर्थ में पाई जाती है जनजाति, ठीक है, ओके। चलिए सेशन कैसा लग रहा है, मजेदार, कुछ ही देर और आपको बस बने रहना है, इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए हमसे, पूरे 100 क्वेश्चन का एनालिसिस आपके सामने करवा रहा हूं, तो आप लोगों को यहां किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भैया जुड़े रहिए, अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 100 क्वेश्चन का एनालिसिस आपके साथ किया जा रहा है, थोड़ा समय तो लगेगा, पर इस समय का, ये समय का सही उपयोग है दोस्तों, सही इस्तेमाल कर रहे हैं आप। भोपाल ट्रेजेडी के लेखक कौन है, भाई यशवंत सिंह, मुल्कराज आनंद, एमएस अरुण सुब्रमण्यम, ये पूछा जाता है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भोपाल ट्रेजेडी सभी को मालूम है, कब हुई थी, एमआईसी इसमें रिलीज हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, दो की रात थी, इसलिए 2-3 लिखा जाता है, 1984, ठीक है, तो 2-3 दिसंबर 1984 में, तो एम अरुण सुब्रमण्यम आपको याद रखना है, भोपाल ट्रेजेडी की किताब, ये दो भोपाल ट्रेजेडी की जो किताब है किसने लिखी थी, एम अरुण सुब्रमण्यम ने, ये आपको याद रखना है। इसका है मिथाइल आइसोसाइनाइड, एमआईसी का क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड कहा जाता है, ठीक है। फिर आपको जोड़ी जमानी है, महाकवि, भवभूति, कालिदास, बाणभट्ट और भर्तरी, इधर नीति शतक, कादंबरी, मेघदूत और उत्तर रामचरित्र, ये आपको याद रखना है। ये निम्नलिखित में से आपको कोड बताने, 75 का आंसर क्या होगा, तो 75 का आंसर है दोस्तों बी आएगा इसका, ठीक है। तो पहले आप ये देखिए, मैं यहां मार्क कर देता हूं, तो महाकवि जो भवभूति है उनकी उत्तर रामचरित्र आपको याद रखना है, कालिदास जी की मेघदूतम थी आपको याद रखना है, और बाणभट्ट की थी कादंबरी, और भर्तरी ने लिखे थे शतक, लिखे थे नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य भवभूति, ठीक है। रामगुप्त भी कहा जाता है, ये जो हमारे विक्रमादित्य थे उनके बड़े भाई के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो भर्तरी की गुफाएं आपको उज्जैन में मिलेंगी, ये भी आपको याद रखना है। तो 75 का आएगा दोस्तों बी आंसर है, मैंने जोड़ बना के भी दे दिया है आपको, याद रखेंगे। चलिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म असत्य, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज फॉल्स, भूत के पांव पीछे, ठीक है, प्रदापन, चांद का मुंह टेढ़ा और अंगूरा, रामू मुल्ला जी, तो ये भूत के पांव पीछे, हरिशंकर प्रसाई, ठीक है, इनके सामने क्या ये सही है, आपको असत्य ढूंढना है, प्रदापन, ठीक है, प्राणापन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, चांद का मुंह टेढ़ा और अंगूरा, मुल्ला रामोजी, तो ये आपको बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन सा पेयर गलत है, तो चांद का मुंह टेढ़ा ये गलत है। अरे यार, दोस्तों 76 का आएगा ये वाला आंसर, सी, असत्य ढूंढना है दोस्तों, असत्य, तो चांद का मुंह टेढ़ा शरद जोशी की रचना नहीं थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कालिदास ने नहीं लिखा, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार गंधव, जानकी हरणम, ये नहीं लिखा, बाकी सब लिखे हैं, याद है कि मालविकाग्नि मित्रम, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी, हमारे अग्निमित्र जो शुंग वंश के राजा थे और उनके दोस्त की, मतलब उनके पिता के दोस्त की जो लड़की थी, ठीक है, मालविका, उनकी प्रेम कहानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, तो शकुंतला की, ठीक है, तो हमारे भारत के जो राजा थे, ठीक है, राजा भरत और शकुंतला की, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। कुमार गंधर्व, कुमार किसको कहा जाता था, कार्तिकेय को, तो कुमार गंधर्व, उनके युद्ध की कहानी किसमें लिखी गई, कुमार गंधर्व में, और कुमार संभव बोला जाता है। जानकी हरणम, ये आपको कुमार दास, ये कालिदास नहीं, इनका नाम क्या, कुमार दास, तो ये जानकी हरणम इसका सही आंसर है। 77 का क्या है, जानकी हरणम।
मध्य प्रदेश को विश्व में ख्याति दिलाने वाले उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र को बजाने, ये हमने एक पेयर बनाया भी था, वहीं से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। वहां हमने एक पेयर भी बनाया था कुछ क्वेश्चन पहले, तो आएगा सरोद। क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा सरोद वादक। ठीक है, क्या आएगा? सरोद वादक। और आपको बताया था अलाउद्दीन खां वाद्य यंत्र जो बजाते थे सरोज बजाते थे, और सिर्फ आपको याद रखना इनका संबंध मैहर से था। मैंने आपको बताया था मैहर में अलाउद्दीन खां संगीत पीठ स्थित है सतना जिले में। जुड़े रहिए बस थोड़ी सी देर और। पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध, ये देखो दोस्तों ये यहां पर थोड़ा सा ये आ नहीं रहा, यहां भाषा पूछनी थी उन्होंने, तो पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है, और माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध होशंगाबाद जिले से था, और होशंगाबाद में मालवी चलती है। तो ये आंसर ऐसा था कि जिन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी गई है वो जहां से संबंधित है वहां कौन सी भाषा ज्यादातर इस्तेमाल होती है, तो उसका आंसर बी सी है मालवी। इस तरह से प्रश्न था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है इस कारण, तो इसका आंसर मालवी लगाना आपने। मालवी, मालवी मतलब वो पुष्प की अभिलाषा नामक रचनाकार जो थे वो किस भाषा से संबंधित थे, है ना। कौन सा साहित्यकार मध्यप्रदेश से संबंधित नहीं है? धर्मवीर भारती, शरद जोशी, प्रभाकर माधवे, हरिशंकर परसाई। तो आपको याद रखना है दोस्तों यहां पर एक व्यक्ति का नाम आ रहा है धर्मवीर भारती, आंसर यही है। ये प्रयागराज से संबंधित है, ये कहां से है? प्रयागराज से। इनकी बहुत अच्छी है गुनाहों का देवता, इनकी कवि वो है रचना ये मैं गुनाहों का देवता, बहुत अच्छी रचना है। तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, पुस्तक रंगों की बोली किसने लिखी, भी आई आपको याद है रंगों की बोली, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर प्रसाई, किसकी है? तो रंगों की बोली माखन दादा की है। किसकी बोली है? रंगों की बोली। भाई इतने अच्छे, ऐसे याद रखने की अलग अलग भाषाओं में लिखने के आदि थे, बहुत सारी भाषाओं में लिखते थे, अलग अलग मतलब अलग अलग रंग, तो रंगों को अलग अलग भाषाओं से जोड़ेंगे, तो रंगों की बोली क्या का आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ए। 81 का क्या आएगा दोस्तों? ए आएगा। ठीक है, कहे जन सिंगा के लेखक हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहे जन सिंगा के लेखक हैं, तो श्री राम परिहार, इसका आंसर क्या आएगा? कहे जन सिंगा के लेखक हैं श्री राम परिहार, करे जन सिंगा के लेखक हैं श्री राम परिहार, ये आपको याद रखना दोस्तों 82 का सी। मध्य प्रदेश में ओशो के जो ओशो नाम से है उनका मूल नाम रजनीश है, ये कहां से है? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी है। ओशो बड़े फेमस है संभोग से लेकर समाधि तक, इन्होंने अपनी किताब भी एक बड़ी फेमस करी थी, तो रायसेन से इनका संबंध है। कहां से दोस्तों इनका संबंध? रायसेन से। ओशो रजनीश नाम है, ओशो भी बोलते हैं, रजनीश नाम है इनका। संभोग से समाधि, संभोग से समाधि काफी फेमस थी इनकी। ठीक है, ये किताब थी इनकी, बुक थी, ये काफी फेमस हुई थी, विवादित भी थी, संभोग से लेकर समाधि ये इन्होंने लिखी थी ओशो साहब ने। आला खंड की रचना देखिए, हम लोग पहले ही बता गया था आला उदल की उसके ऊपर था, तो आला खंड की रचना किसने करी है? जगनिक साहब ने। किसने? जगनिक। बहुत बड़ा मतलब विश्व का सबसे बड़ा वाचिक महाकाव्य भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना आला खंड की रचना इन्होंने करी है। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था अगला। देखिए, मध्य प्रदेश की किस हस्ती को ताई कहा जाता है? अरे भाई सुमित्रा महाजन जी को, तो ताई हम किसको बोलते हैं? सुमित्रा महाजन जी को। 8 बार सांसद रही है इंदौर से, ये भी याद रखना है। कहां से सांसद रही है? इंदौर से सांसद रही है, और ये दूसरी महिला थी, दूसरी महिला बनी जो लोकसभा की स्पीकर हुई। ये पहली थी मीरा कुमार, ये आपको याद रखना है, और मीरा कुमार पहली स्पीकर थी लोकसभा की, और ये दूसरी बनी, आपको याद रखना है। सुमित्रा महाजन जी ताई के नाम से प्रसिद्ध, 8 बार कार्य। तो प्रसिद्ध भारतीय कायगी मोहम्मद यूसुफ खान का जन्म मध्य प्रदेश में कहां हुआ था? मोहम्मद यूसुफ खान, ये आपको याद रखना है। ये भैया बहुत अच्छे कला मोहम्मद यूसुफ, हालांकि हमारे एक और जो सुप्रसिद्ध हस्ती है हमारे आपसे दिलीप कुमार साहब का भी नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, तो वहां ना जाए आप, इनका संबंध सतना में आपको जोड़ना है। ठीक है, वो दिलीप साहब का भी नाम यही था, तो दिलीप साहब अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये कलाकार है, वो भी कलाकार थे, ये आर्टिशियन थे, वो एक्टर थे, तो इनका संबंध कहां से? 86 का आएगा डी।
परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनिल कोंकणकर का जन्म प्रदेश कहां से है? भैया अनिल साहब कहां के थे? तो ये हमारे मेरे जिले से, मैं भी बड़वानी जिले से हूं, तो ये बड़ा गर्व की बात होती है कि इनका संबंध कहां से, 1989 में बड़वानी किस जिले से आएगा इनका? दोस्तों बड़वानी जिले से इनका संबंध था, ठीक है। तो 87 का सी। 88 पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का संबंध, ये दो तीन बार क्वेश्चन आया है, तो इनका आंसर आएगा दोस्तों भोपाल। आरबीआई के गवर्नर बने थे, आरबीआई के गवर्नर थे भोपाल, गवर्नर रघुराम राजन जी का जन्म मतलब संबंध कहां से, भोपाल से, आपको ये इस चीज याद रखनी है। कैलाश सत्यार्थी का जन्म स्थान बहुत ईजी है भाई, बचपन बचाओ, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था बचपन, इसी के लिए इनको मलाला यूसुफ के साथ नोबल का जो प्राइज था, शांति पुरस्कार दिया था, आपको याद रखना है। तो इनका संबंध विदिशा से है, इन्होंने कौन सा चलाया था ये भी पूछा जाता है, बचपन बचाओ, बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, इसी के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल मिला था पीस के लिए, शांति के लिए, किसके लिए मिला था, पीस के लिए, शांति के लिए। और किसके साथ दिया था, मलाला यूसुफ के साथ दिया गया, तो वो पाकिस्तान की थी और ये भारत के थे, तो दोनों को एक साथ दिया गया था, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्य पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का जन्म स्थान कहां हुआ था, ये बहुत आईएमपी है, अर्जुन सिंह कहां के थे, अब इनके लड़के अरुणोदय सिंह वो भी एक्टिंग में हैं, तो ये तो आपको याद रखना है, अर्जुन सिंह और इनके लड़के अरुणोदय, अरुणोदय ये एक्टिंग में एक्टर है ये, ठीक है। मैं तेरा हीरो ऐसी कुछ मूवियां इन्होंने एक वेब सीरीज करी थी अपहरण, तो वहां पर भी पूछा था कि अरुणोदय का संबंध किससे, तो वो आप वो एक्टर को फिर जोड़ेगा, वो अर्जुन सिंह के ही है, तो उनका संबंध भी कहां से आएगा, फिर सीधी से, तो अरुणोदय सिंह भी याद रखेंगे आप, जो अभी हाल ही में एक्टिंग की में अपना नाम कमा रहे हैं, अपहरण या फिर उनकी मैं तेरा हीरो में उन्होंने विलन का रोल करा था, तो ये आपको याद रखना है, वो इन्हीं के लड़के हैं, तो अर्जुन सिंह से जुड़े हैं, तो उनका संबंध भी कहां से होगा, सीधी से, ये आपको याद रखना है। ये सारी जानकारी दोस्तों जादूगर आनंद कहां से है आपको याद रखना, तो जादूगर आनंद कहां के, जादूगर आनंद है आपको याद रखना है जबलपुर के, कहां के दोस्तों, जबलपुर के, मैं यहां देख लेता हूं, काफी फेमस हस्ती है जबलपुर के हैं, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, याद रखना है जबलपुर से जुड़ा है जादूगर जो है, जबलपुर, जादूगर आनंद कहां से है, जबलपुर से है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में निम्न किस व्यक्ति को औषधि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला, अरे भैया बहुत आईएमपी हैं, ठीक है, ये तो हमारे इंदौर में जहां हमारा निवास स्थान उसके पास में भक्ति यादव, क्या नाम है, ये यादवों का नाम रोशन करने वाली है, भक्ति यादव बहुत फेमस है, इनको हाल ही में पद्मश्री मिला था, इंदौर की रहने वाली है, इनका संबंध कहां से है, इंदौर से, ये भी याद रखेंगे। बहुत ज्यादा एज में भी इन्होंने किसी को मना नहीं करा, बहुत ज्यादा एज में भी इन्होंने मना, मतलब ये अपनी सेवाएं देती नहीं, तो इनका संबंध कहां से, 92 का आंसर आएगा दोस्तों डी, 92 का आंसर क्या आएगा, डी आएगा। माई का मंदिर, भाई माई का मंदिर, माई की पिछिया, माई की बगिया, ये सब अमरकंटक कहां जाएगा, अमरकंटक, यहां से तीन नदियां निकलती है, मैंने आपको बोला था रेवा मतलब नर्मदा जी, जोहिला और सोनभद्रा मतलब सोन, ये तीन नदियों का उद्गम है यहां पर, ये याद रखेंगे। अमरकंटक कहां आता है, मेकाल श्रेणी में, कहां आता है, मेकाल श्रेणी में आता है, ये भी आपको याद रखना है। अमरकंटक कहां आता है दोस्तों, मेकाल श्रेणी में आता है, माई का मंदिर भी आपको अमरकंटक में मिलेगा। चलिए साथ ही क्वेश्चन बचे हमारे, मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र स्थान जहां संयुक्त शिवलिंग है, अरे भैया ये बड़ी आईएमपी चीज है, संयुक्त शिवलिंग, भाई आपको याद रखना है, संयुक्त शिवलिंग की जब भी बात की जाती है तो ओमकारेश्वर लगाना है, ममलेश्वर और ओमकारेश्वर, अगर आप ओमकारेश्वर गए हैं तो आपको ये संयुक्त ज्योतिर्लिंग, दो मंदिर है, पुल के उस तरफ रेड कलर का है, पुल के इस तरफ ब्लैक कलर का है, तो ममलेश्वर और ओमकारेश्वर दोनों को संयुक्त ज्योतिर्लिंग में कहा जाता है, मंदाता इसी का नाम है, उस आइलैंड का नाम भी क्या है, मंदाता, मंदाता का आकार ओम के आकार का होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, ओमकारेश्वर, आदि
आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी यही बनाई जा रही है, आदि शंकराचार्य गुफाएं यही है, भारत का पहला तैरता हुआ सोलर पार्क जो बनाया जा रहा है वो भी यही बनाया जा रहा है, यहाँ डैम है आपको याद रखना है, यहाँ पर 5-स्टार होटल की सुविधा भी दी जा रही है। तो ये सारी कहानी कहाँ है, ओंकारेश्वर की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और प्रदेश के जो 12 ज्योतिर्लिंग उनमें से ये एक है और प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है उसमें से ये ओंकारेश्वर और उज्जैन में से एक ये पड़ता है, तो याद रखना है आपको। चलिए 5 और क्वेश्चन बचे हैं। तात्या टोपे को फांसी किस वर्ष दी गई, ये आप याद रख लेंगे। यहाँ दोस्तों मिसप्रिंट हुई 18 है, ये मिसप्रिंट हो गया 18 अप्रैल 1859 में, पहले ही बता चुका था 18 अप्रैल है, 18 अप्रैल 1859, ठीक है। तो यहाँ याद रखेंगे 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे ने मान सिंह ने धोखा दिया था तात्या टोपे को, शिवपुरी कहाँ दी थी यह फांसी, शिवपुरी। मध्य प्रदेश में नेपोलियन किसको कहा जाता है, ये भाई बहुत आईएमपी है, ये बहुत आईएमपी है, यशवंत राव होलकर को क्या कहा जाता है, 96 का क्या है, यशवंत राव होलकर को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का नेपोलियन, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, होलकर साम्राज्य के थे। चलिए दोस्तों भोपाल की पहली शासिका का नाम बताइए, पहली शासिका का नाम बेगम गौहर कुदासिया, क्या आएगा, बेगम गौहर कुदासिया, ये आपको याद रखना है, बहुत आईएमपी है, भोपाल की पहली बेगम थी, भोपाल की पहली बेगम थी, ये आपको याद रखना है, भोपाल की क्या है ये, पहली बेगम, ठीक है, भी आएगा इसका आंसर। बाल कवि बैरागी का जन्म कहां हुआ था, बहुत आईएमपी है, बाल कवि बैरागी का जन्म कहां हुआ था, तो ये कहां के है, मंदसौर, बाल कवि बैरागी कहां के है, मंदसौर के, फेमस हस्ती आपको याद रखना है, कहां के ये, मंदसौर के। 99 भोपाल युद्ध 1937 में पेशवा बाजीराव ने किसे पराजित किया था, ये याद रखेंगे, तो क्या भोपाल के नवाब को, नहीं, किसको पराजित किया था, हैदराबाद के निजाम को, तो याद रखिएगा भोपाल के युद्ध में भोपाल के नवाब को नहीं हराया, हैदराबाद के निजाम को हराया, किसको हराया, हैदराबाद के निजाम को। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, बुंदेलखंड के शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है, देख लीजिए आप, फूलबाग, क्या कहा जाता है, फूलबाग। तो दोस्तों ये था हमारा 100 क्वेश्चन का आपके लिए एनालिसिस, तो आपको याद रखना ये जो एनालिसिस करा है ये आपके लिए बहुत सही तरीके से एक एक चीजें आपको डिटेल में बताई गई, सभी क्वेश्चनों के प्रॉपर आंसर और उनसे जुड़ी सभ्यता के बारे में, उनसे जुड़े और फैक्ट आप लोगों तक बताए गए। तो मैं देवेंद्र सिंह यादव ये सेशन आपके लिए स्पेशल लेके गया आया था आपकी डिमांड पर, यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मुझे आपके प्यारे प्यारे से कमेंट चाहिए, मैं देखूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा, और दोस्तों हम आने वाले टेस्टों का भी ऐसे ही एनालिसिस करेंगे। तो मैं आपसे अब विदा लेता हूं, मैं देवेंद्र सिंह यादव आपको आगे के टेस्ट भी एनालिसिस करके बताऊंगा, आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।